आइए एक अनमोल रचना आप लोगों के बीच में, एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा जिक्र मैं आप लोगों के बीच में करना चाहता हूं जिसके ऊपर शायद ही किसी का ध्यान है। लोग सिर्फ जागरण को एक मनोरंजन समझते हैं, लेकिन इतना ही जागरण नहीं। आप देवी देवताओं के भजन भी गाइए, लेकिन हम इंसानों को जागृत करना कलाकार का फर्ज बनता है। और सुनो लोगो, ये माइक, ये आवाज, ये हौसला भगवान सब न को देंदा। कोई कोई भागड़ा ऐसा इंसान होता जिसके ऊपर परमात्मा कृपा होती, मां सरस्वती कृपा होती, तब जाकर के कलाकारी मिलती है। तो आइए, अभी हमारे पास मौका है, भगवान ने सबको में दे रखा। अगर अभी प्रचार नहीं करेंगे तो कद करेंगे। एक ऐसा मुद्दा आप लोगों के बीच में मैं पेश कर रहा हूं जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है उजागर करने की, प्रेम। और प्रेम एक ऐसी चीज होती है जिसके कुछ कान कायदे होते हैं, कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, न्यू नहीं। आजकल तो ऐसा भूडा काम हो रहा, शर्म नहीं आती। गांव गांव में बाण भाई होते हैं गांव के, तो वह भी गलत हो जाते हैं। और ना सी सरकार का भी हो रहा है, जो मोर मारे है इस बात पे, बोले तो दोनों प्रेम करें, इन्हें तो शादी कर ली कोर्ट में, और उनको फिर न्यू कहे प्रोटेक्शन दे दिया, और इनका हाथ नहीं लाओगा कोई भी। सैनी जुलम इस तब भूडा चाड़ा और कद होगा लोगों, बताओ। ये है घोर कलयुग, इससे बड़ा कलयुग और नहीं आ सकता। लेकिन सुनो, बेटे भी दोषी हैं और बेटी भी दोषी हैं। एक भजन, जितनी मेरी जवान उम्र की लड़कियां यहां पर बैठी हुई हैं, जितनी मेरी बाण है, मेरी बेटी हैं, ध्यान तो सुनियो बेबेर, जितनी इस वीडियो देखना गरीब में भी ध्यान तो सुनियो। जिस बेटी ने 20-22 साल तक अपने माँ बाप के घर में उनका अन्न जल ग्रहण करके और बाद में अपने पिता के साथ में, माँ के साथ में गद्दारी करी, उसने नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। इस बात को लिख लेना। रात में किसी ने लेकर के, जो ये लड़कियां भाग जाती हैं, जो लड़के भाग जाते हैं, उनसे नीच घटिया गिरी हुई औलाद संसार में कोई भी नहीं है। तम तो चले जाओ हो, उन माँ बाप ने पूछ के देखो, जिसकी बेटी घर से भाग जाती है, सारी उम्र बूढ़ा आदमी गाल में गले कड़े गाना, नाड़ ऊपर नहीं उठती उसकी। पंचायत में जाने की तो बात दूर, बोलना बहु कोई बोल मार देगा, तू भी बोल रहा तेरी बेटी ने इन्होंने गलत काम कर। एहले मेरी भाणो, मेरी बेटियों, ध्यान से सुनना। इस भजन के अंदर कड़वे बोल हैं, जो मूर्ख लोग हैं उनके ये बोल चुभेंगे, लेकिन सच्चाई कड़वी होती। किसी किसी का जम हो, मेरा कम में यूं हम तो लोग कड़वा कलाकार गए हैं। आइए मेरे भाइयों, कलाकार तो नहीं हूं, लेकिन कड़वा हट गाना एक सच्चाई गाना मैं अपना धर्म मानता हूं, फर्ज मानता हूं। जो इज्जत की बलि दे देती है वो बेटी नहीं है, वो कुलच्छनी है। तभी तो लोग आज बेटियों को जन्म देने से कतराते हैं। घनघरे लोग अगले मेरी बातचीत हो, जब मैं इसे इसे भजन गाऊं के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस तरह के गाता हूं, लोग उनके रामधन तू तो सही कहे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उन बेटियां ने के फूका जो ही जवान होकर हमारी इज्जत का कत्ल कर देती है, बड़ा दुख होता है। कहीं ना कहीं तो कसूर है ही। आइए, मेरे दिल की टीस, मेरी आत्मा के बोल आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आई एम नॉट ए सिंगर, मैं कोई भजनी कोई कलाकार नहीं हूं, इस देश का एक नागरिक हूं जिसने बीड़ा ठाया। जगराता नहीं, जागृति कीजिए। सुनियो मेरी बहनों, जवान बेटियों, आपके लिए गा रहा हूं स्पेशल। बात कड़वी है लेकिन 100% सत्य, इस भाई को याद रखना। माँ बाबू की गर्दन पे जो धर के पैर चली, वह बेटी नहीं कुलक्षणी, जो इज्जत की देवे बली। के फूक ऐसी सी बेटी ने जो माँ बाप की इज्जत का लांछन ला दे। बड़े गहरे बोल लिखे हैं, दर्द भरी बात लिखी। क्या माँ बाबू की गर्दन पे, माँ बाबू की गर्दन पे जो धर के पैर चली, वह बेटी नहीं कुलक्षणी, जो इज्जत की देवे बली। माँ बाबू की गर्दन पे, माँ बाबू की गर्दन पे जो धर के पैर चली, वह बेटी नहीं कुलक्षणी, जो इज्जत की देवे बली। माँ बाबू की गर्दन पे, बेटी किसी ने पुंडी को लग दी, लेकिन जब वह जवान हो जाए ना और उल्टी राई पचल है, फिर बेरा लग है भगवान
ठीक कह लो कि बेटी नहीं होनी चाहिए। अरे बुरी बेटियों ने अच्छी बेटियों को भी बदनाम करके रख दिया, लोग डरन लग गए बेटियां ना जन्म देने ताई। क्यों? क्योंकि कुलक्षणी ज्यादा पैदा होगी। माँ बाबू बड़े लाड तक पालेंगे, बड़ी करेंगे, सोचेंगे मेरी बेटी ने बढ़िया पढ़ा दूं, लेकिन घनघरी तो बस्ता ठा के पढ़न कौन जानती ओर की मैं करे। और फिर एक दिन बेरा लग सके त्री छोरी जो कोर्ट में फलाना गल ब्याह कर रही है, पुलिस वाले बताऊं से फोन आवे से ऐसे ऐसे इन्होंने लव मैरिज कर ली। और माँ बाबू ने जब इन बात बेरा लग गया ना लोगो, मरना सिर्फ वो नहीं है कि सांस लेकड़ गया आदमी मर गया, यो भी मरना है। मत हिम्मत मानो सुन माँ बापा की बेचारेंगी, जिसके पाए तलगे जमीन खिसक जाए, फिर भी लाचारी में मजबूरी में समाज में जीना पड़े। जीना जाना तो के ही, कोई जीना जाना नहीं है। पूछ के देखो माँ बाप से जिनके बेटा बेटी ने इतना गलत काम कराया है, सोगर दे डूडी पिट जाती उनकी, भली बुरी कहेंगे। अच्छी बड़ी अच्छाई इज्जत बना रखी हो बाप ने, दादा ने, गांव में भाई ने, सारी की सारी पर एक मिनट में पानी फिर जाता है। जो कुलक्षणी है वो ध्यान तो सुन लियो, और अच्छी बेटी है बेतम इससे शिक्षा लियो। नंबर एक पर दर्द लिखा माँ बाप का कैसे है? जो कर दे डूंडी पिट जा, पर सुननी पूरी भली मां बेटी नहीं कुलक्षणी, जो इज्जत की देवे बली। मां बाबू की गर्दन पे, मां बाबू की गर्दन पे, जो थर के पैर चली मां बेटी नहीं कुलक्षणी, जो इज्जत की देवे बली। सुनियो रे, मेरे गांव के दो भाई मेरे चाचा के छोरे कोर्ट में काम कर रहे हैं। एक दिन वो भाई मारा घर आ गया, सुनियो असली बता रहे, झूठ नहीं बोल रहे मैं। एक दिन मेरा घर आ गया, इस बात पर जिक्र चल गया, उसने एक बात इसी बताई, बोले रामधन भाई समानास हो लिया देश का, मां क्या हो गया? बोलिया भाई चार पांच दिन पहले की बात, सबलिया एक ताऊ और ताई आए बोलिया कोर्ट में, कम तक कम भी बूढ़े की उसकी उम्र होगी 65-70 साल, और इतनी है बूढ़ी उसकी माँ। बोलिया क्यों घर सम्मन भेज दिया पुलिस वाले ने कोर्ट वाले ने, और वो किस बात पर भेजा? वह जब बुलाए ना कोर्ट में, तो जो श्यामी जज बैठा था उसने कहा कि तारी बेटी ने ये कंप्लेंट करी है, तारी बेटी की ये शिकायत है कि तारी 20 साल की बेटी तारे तो डर से तुम उसने मारोगे। जब इतनी बात उस बुढ़ा दिन में सुना तो आंखों में पानी आ गया, उसको बोला काम भी गया वो सारा, और रो के नुकन लगा, जज साहब आप किसी बात करो, आप भी किसी के बाप, किसी बेटी के बाप हो न? बोलिया 20 साल हो गए मेरा घर आरंदी ने, मेरा ताज लग तो नहीं ड्री वाइव क्यों उड़ रहे थे? वो किसी गैर लड़के के साथ में उसने शादी करी, मार दो ऊपर होके करी, और ना छोरा मारी समझ में, ना उसका काम धंधा पल्ले, बेरोजगार एक नंबर का बेवड़ा, एक तो उसके गले शादी कर ली मारी इज्जत का ढेला कर दिया, रिवन्यू को मेरे तो डर हुआ न। बोलिया जब सब चाहे नाड़ तार लो, चाहे फांसी तोड़ दो, पर न्यू आड़ा बोला के बेइज्जती मत करो, मारी की बेटी मार दे डर से, डर तो हमने लग गए थे, हमें करता बार क्यों कर लिखड़ांगे, वाद चली गई मारा घेटी तो तले टूक नहीं उतरता। जज साहब ने बोलिया न्यू कह बूढ़ा बैठ गया रामधन भाई, मेरे भी आंखें में पानी आ गया, रोन लग गया, माथा सिर पकड़ कर रोन लग गया बूढ़ा ने, बोलिया भगवान इसे दिन किसी ने मत दिखाइए तुमने बूढ़ी रोवे। लोगो जब ऐसे ऐसे सीन हम अपनी आंखों से देखते हैं तो बड़ा दुख होता है कि हम कैसे समाज में रहते हैं। ऐसे ऐसी कुलक्षणी घटिया नीच बेटी आज पैदा होगी समाज में, जो नी 20 दिन किसी घर छोर गिल्लर है न्यू कैसे बोलिया मैं इसका गेल रहूंगी, और 20 साल का प्यार अपने माँ बाप का, भाइयों का, चाचे तऊआ का, गांव का सिर्फ 20 दिन में भूल जाती है, जुलम नहीं है, साला नहीं है लोगो, इससे बड़ा चाला और क्या होगा। और उस कुंडपे की नाड़
जिसकी बेटी नार झुका देती है कदे ऊपर नहीं उठती, वो बोझ इतना भारी हो जाए वह नार नीचे रह कर ऊपर नहीं होती। बाग उजड़ जाते हैं खुशियों के। बड़ी गहरी बात लिखी है नंबर दो पर। कैसे वो 20 बरस का नाता वा भूले 20 रोज में, वा भूले 20 रोज में, वो 20 बरस का नाता वा भूले 20 रोज में, वा भूले 20 रोज में। खुशिया का बाग उजड़ जा, खुशिया का बाग उजड़ जा, मुरझा जा कली कली वा बेटी नहीं कुलछड़ी जो इज्जत की देवे बलि, मां बाबू की गर्दन पे, मां बाबू की गर्दन पे, जो धर के पैर चली वा बेटी नहीं कुलछड़ी जो इज्जत की भयंकर कलयुग जो इव कलयुग आ रहा है ना, असली कलयुग यू है। माँ बाप की कोई पूछ नहीं, बेटी का जिस गल जी करा ब्याह कर लिया, बेटा जिसका गल जी कर लिया, ऐसे नहीं होता। मर्यादाएं होती हैं, कुछ मर्यादा ने तो भूल गए हम, बुरा हाल हो रहा है। हम ये नहीं कहते लोग मैरिज ना करो, कर लो यार, क्या गलत चीज है, लेकिन कम से कम घर क्या ना तो पूछ लिया जी, है ना, जाम में जने पाले पोसे हो उनकी पूछनी ताज, जिस गल जी करा उस गल चले गए, फिर जीवन बर्बाद कर लेते हैं गलत बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सरकार का न्यू नाश हो रहा है, सरकार वाले न्यू कैसे हैं, केवल इन्हें अपनी मर्जी से प्रेम विवाह किया है, अगर इनकी तरफ किसी ने अंगली ठा के देखे तो उसकी अंगली काट दी जाएगी, उन्हें भगोली दाग है सरकार। बड़ी शर्म की बात है, कितने घटिया कानून बना दिए हमारे देश में। मैं तो सीधा कहता हूं भाई, एक कानून बनाया इतना गंदा वाला, लीव इन रिलेशनशिप, इतना गंदा कानून है ये, कमाल की बात है। जिसका जी बोलिया जिसका गल्ला करो उसका गल्ला रह लो। तीन चार दिन पहले हमने खबर पढ़ी एक बार में, ने बोलिया तीन बड़का की माँ, दो छोरी और एक छोरा, छोरा एक साल का, दो छोरी एक छोरी तीन साल की, और सारे बड़ी छोरी पांच साल की, अपने बालका ने छोड़कर किसी गैर मर्द गल फरार होगी। इवन यू बताओ बालक जो बिल बलाओ हैं उनका के रह गया इस धरती पर, बताओ जिसकी माए चली गई, वो माँ नहीं है, वो माँ नहीं है जो इतने किनोरे काम करती है, डूब के मर जाना चाहिए ऐसी औरत को। अरे माँ बनने के बाद भी तुम इतने गलत काम करते हो, कमाल की बात है, शर्म नहीं आती तुम्हारे को? क्या दुनिया के अंदर तुम सिर्फ और सिर्फ देही का मजा लेने खातर इस संसार में आए हो? डूब के मर जाना चाहिए तुम्हारे को, नाड़ में कंडा सी मारो इसी यहाँ का, सीधी बात है, कमाल की बात है। अरे तीन बालक बिल बलाओ में शर्म नहीं आई, उसने छोड़कर चली गई, और एक नहीं हजारों केस ऐसे आते हैं रोज की रोज, जुलम हो रहा है। मर्यादा कति खत्म कर दी, नाश कर दिया, मिलिया मेट कर दिया देश का ये भगवान। इस तरह भूंडा कली और कदा होगा रहे, अपने आत्मा का दर्द लिखा है नंबर तीन पर। कैसे का असर जबर से, कलयुग का असर जबर से, पता कुन सी कसर थली वा बेटी नहीं कुलछड़ी जो इज्जत की देवे बलि, मां बाबू की गर्दन पे, मां बाबू की गर्दन पे, जो धर के पैर चली वा बेटी नहीं कुलछड़ी जो इज्जत की देवे बलि, बाबू की गर्दन में।
शादी कहीं कर लो लेकिन माँ बाप को राजी करवा, घर के राजी होनी चाहिए, जब तक ब्याह करने का फायदा है। अपने मनपसंद वर से जरूर करो लेकिन माँ बाप को राजी करो। 2 साल लग जाएंगे, 4 लग जाएंगे, माँ बाप इतने माड़े नहीं है जो नहीं झुकते। लेकिन यू काम जमा गलत से, गांव की बेटी गांव में ब्याह कराना चाहो, गांव का छोरा गुआंड की छोरी के लिए ब्याह करवाना चाहो, एक गोत की छोरी दूसरा गोत का उसे गोत का छोरा के लिए ब्याह कराना चाहिए, क्या गलत नहीं है? बताओ, तुम्हें बताओ, मैं इस बात को गलत ठहराता हूं। एक गांव में पैदा हुए लड़का और लड़की बाण भाई होते हैं, उससे घटिया नीच गिरा हुआ इंसान धरती पर कोई नहीं। जो गांव की छोरी के लगू आंडी की छोरी के लिए अपना शादी करना चाहता, छोरा भी बुरा रुआ, लड़की भी बुरी है, जुलम है, चाला है। ए भगवान, सुनो बेबे, जितनी मेरी बाण, जितनी मेरी बेटी इस वीडियो में देखने लाग रही है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं तुमसे, सर के ऊपर जो जिम्मेदारी माँ बाप ने धरी है उसको खरी पुगाना, थारे हाथ में इज्जत से मारी, मारी वैल्यू भी जब है जब मारी बाण सही होगी, मारी बाण बिगड़ गई हमने कौन पूछेगा। संसार में वैल्यू जब तक है जिसकी बहू बेटी बाण ठीक है, जितनी ये बिगड़गी रुपया न कोई पूछता, वैल्यू इज्जत की है। मैं जीवन को कीमती नहीं मानता, इज्जत को कीमती मानता हूँ, करेक्टर से बड़ा कुछ नहीं है। और वो जिसका बिगड़ गया नाश हो जाएगा उड़े। बेबे हाथ उड़ के प्रार्थना है, तारे हित में तारे भले के लिए ये भजन लिखा है, ये कोई भजन नहीं है, मेरी आत्मा के बोल है। और नंबर 4 पर समझाया, या खानदान की इज्जत हो से थारे हाथा में, हो से थारे हाथा में, या खानदान की इज्जत हो से थारे हाथा में, हो से थारे हाथा में, महरम धन खड़े उजड़ के इन ओछी बता में, इन ओछी बता में, सरिये ने थारे हित में, अग सरिये ने थारे हित में, ये नखती 4 कली वा बेटी नहीं कुलछड़ी, जो इज्जत की देवे बली, माँ बापू की गर्दन पे, माँ बापू की गर्दन पे, जो धर के पैर चली वा बेटी नहीं कुलछड़ी, जो इज्जत की देवे बली, माँ बापू की गर्दन पे, माँ बापू की गर्दन पे, माँ धर पे।